सर मैं किन्नौर से आया हूँ, हिमाचल किन्नौर से। और ये जो आज साइंस डे है, तो फिर जो पूरा मॉडल है, मेरे मॉडल का नाम है लैंडस्लाइड सेफ्टी सिस्टम। ये मॉडल जो बनाने का जो मेरा मुख्य कारण था, वो ये था कि हमारे पहाड़ों से आए दिन होने वाले लैंडस्लाइड, जिनकी वजह से हमारी किन्नौर है और जो हमारा हिमाचल है, जहाँ हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, तो उसमें आए दिन जो है बहुत बड़ी दुर्घटना घटते जा रही है, जिसकी वजह से बहुत किन्नौर में जो ट्रैवल करना है बहुत डेंजरस हो चुका है लोगों के लिए। तो उसी को देखते हुए मैंने पूरा मॉडल तैयार किया था। तो वैसे तो ये मॉडल बनाने का जो मेरा मुख्य तात्पर्य था, जो मेरा सोच जो इनोवेशन मेरे दिमाग में है, जो आप सभी को बताओ कि हमारे किन्नौर में जो आज से करीब 6-7 महीने पहले जो निंगुलसरी का और जो बटसरी का इलाका है, तो उसमें जो बटसरी में जो बाहर से टूरिस्ट आए थे, तो उन्हें नहीं पता था कि जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें पत्थर आ सकते हो। जो एरिया था बटसरी का, तो वो पत्थरों की चपेट पर आ गए, तो उससे और जो निंगुलसरी का एरिया था, तो उसी से ही बचने के लिए, ताकि हमें पहले ही पता चल जाए कि पत्थर आ सकते हैं और इस जगह में ट्रैवल करना डेंजरस है, तो उस जगह को हमने रोकने के लिए, उस एरिया से बचने के लिए पूरा मॉडल तैयार किया है। चुनौतियां तो अक्सर रहती हैं, लेकिन तब भी एक बात मानने वाली कि हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा है। आज हिमाचल प्रदेश में लगभग 15,000 के करीब विद्यालय हैं, और लगभग कोई गांव ऐसा नहीं होगा या बहुत कम ऐसे होंगे जहां पर स्कूल नहीं होगा। हमारे मैक्सिमम गांव में स्कूल्स हैं, और कुल मिला के हमारा शिक्षा का स्तर भी एक अच्छे स्तर पर है, और इसलिए कुछ चुनौतियां तो सदा रहती हैं, चुनौतियां कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन विज्ञान की शिक्षा बच्चों को ठीक प्रकार से मिले, इस ओर बहुत तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी, यानी बच्चों को विज्ञान की दिशा में बढ़ने के लिए जोर दिया जा रहा है, और भारत के प्रधानमंत्री जी ने तो अभी कहा है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, और जय विज्ञान का नारा लेके हम आगे चले हैं।